और दूसरे देशों में हमारा कितना नाम है, ये चुनाव के समय राम मंदिर और पाकिस्तान दो रट लगाया जाएगा। जिस चीन ने हजारों किलोमीटर कब्जा कर रखा है उनके जुबान पर उसका नाम नहीं आता है। प्रबंध है जो कि चीन और पाकिस्तान के आतंकियों को रोकने के लिए जो प्रबंध है। सुप्रीम कोर्ट के लोग सड़क पे हैं, 400 पार वो क्यों कर रहे हैं उनको पता है, हमें 400 पार कर देना है। उनको कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करके वो ईवीएम मशीन के माध्यम से 400 पार कर लेंगे, कॉन्फिडेंस है। पर आपसे भी यही सवाल रहेगा कि जो इल्जाम लग रहा है कि 29 के बाद चुनाव देश में खत्म हो जाएंगे, तानाशाही शुरू हो जाएगी, उस पर क्या कहेंगे? आखिरी सवाल। देखिए, ये बात बिल्कुल आप सही कहा है आपने कि यहाँ पर तानाशाही, मैंने सवाल किया नहीं, आपने जो सवाल किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ कि आने वाले समय में सारी संवैधानिक संस्थाएं तहस नहस होने जा रही है। आप देख रहे हैं कि 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री एक बार अपनी जुबान से आज तक चीन का नाम नहीं लिया, जिन्होंने हमारा हजारों किलोमीटर, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकाल हो या भाजपा का कार्यकाल हो, जिस चीन ने हजारों किलोमीटर कब्जा कर रखा है उनके जुबान पर उसका नाम नहीं आता है, आज तक आपने नहीं देखा होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति है, देश की सरकार की स्थिति है। और दूसरे देशों में हमारा कितना नाम है, ये चुनाव के समय राम मंदिर और पाकिस्तान दो रट लगाया जाएगा, इसी को लेकर यहाँ वोट मिलते हैं हिंदुस्तान में। इस देश में आने वाले समय में इस देश का हीरो बनेगा केजरीवाल, भावी प्रधानमंत्री है वो। गिरफ्तार हो गए तो कैसे हीरो बन जाएंगे? आपको मैं बताऊं कि गिरफ्तार किस दमन जो है, जब किसी राजनेता का दमन होता है तो वो उतनी ही तेजी से जनता के बीच में उभरता है। दमन आवश्यक है, जितना ही देश में क्रांति हुआ, दुनिया में क्रांति हुआ, पहले दमन किया शासकों ने, उसका जार ने रूस में दमन किया, उसके बाद बोल्शेविक क्रांति हुई और वहाँ पर कम्युनिस्टों का राज कायम हुआ। ये आज आप देखिए कि केजरीवाल जहाँ भी जीता है, कहीं कहीं पर भाजपा सरकार, मोदी जी का कोई राजनीति का औकात ही नहीं दिखा, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली में। दिल्ली की सड़कें अभी भी टूटी फूटी पड़ी है, केजरीवाल के राज में अभी भी बहुत बुरे हाल है, पानी बहता रहता है गंदा। मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली की सड़कों को आप तुलना करिए कि केजरीवाल के आने के पहले क्या स्थिति थी। आप कहाँ की सड़कें बता रहे हैं? पूरे मैं दिल्ली में घूमता हूँ, मैं भी अनऑथराइज कॉलोनी में रहता हूँ। दिल्ली की सड़कों के लिए हम लोग, मेहरोली की सड़कों की अगर बात करूँ तो सड़कें बहुत बुरी हालत में है। काम चल रहा है मेट्रो को, आपको पता है? नहीं, कैंसिल कर दिया मेट्रो का काम। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन पूरी दिल्ली में केजरीवाल, सबसे पहले बात तो है केजरीवाल ने जो काम किया है वो तो पूरी दुनिया के लोग इसकी चर्चा करते हैं, लोग अच्छे अच्छे पत्रिकाओं में ये छपता है कि दिल्ली देखने आते हैं लोग, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, यहाँ का हेल्थ सिस्टम क्या है, वो सब। तानाशाही होगी या नहीं होगी देश में, ये बताइए। तानाशाही हो चुकी है अभी, आप बताइए तानाशाही है या नहीं। मैं बोल रहा हूँ ईवीएम जो है, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के लोग सड़क पे हैं, 400 पार वो क्यों कर रहे हैं उनको पता है, हमें 400 पार कर देना है, स्विच दबाना है और 400 पार कर देना है। उनको कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करके वो ईवीएम मशीन के माध्यम से 400 पार कर लेंगे, उनको कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात यह है कि जो तानाशाही आप देख रहे हैं कि वहाँ चीन पर तो हमला हो रहा है, चीन का लोग हमला कर रहा है, हमारे सीमा पर जमीन हड़प रहा है, वहाँ तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है इस समय पूरे देश में, आप देखिए जो अन्नदाता किसान हैं उनके लिए ऐसा प्रबंध है जो कि चीन और पाकिस्तान के आतंकियों को रोकने के लिए भी जो प्रबंध नहीं, आतंकवादी और खालिस्तानी देशद्रोही कहा जा रहा है ये, हर उसको जो लोग इनके साथ नहीं हैं उनको देशद्रोही और पाकिस्तान, मतलब जो लोग मोदी मोदी करेंगे, मोदी भक्त होंगे, वही सिर्फ देशभक्त हो सकते हैं। ऐसा है क्या सर? ऐसा नहीं है। किसान जो आए हैं बॉर्डर्स पे वो खालिस्तानी देशद्रोही है क्या? नहीं, इसका जवाब दीजिए। किसान के लिए तो मैं देशद्रोही नहीं कहूँगा, क्योंकि किसान हमारे देश का किसान है और वो अन्नदाता है। लेकिन इसमें जो है अभी देश में कोई मुद्दा नहीं था, देश में जो मोदी जी अभी देश चलाए हैं कोई मुद्दा नहीं था, जैसे भाई साहब ने चीन का मुद्दा बताया है। तो चीन का जो आर्थिक स्थिति अभी आज के दिन में है, इतना ख़राब कर दिए है मोदी जी ने, जो चीन बहुत पीछे चला गया है। और उसके बाद जो 1962 में हमारा चीन के साथ में जब लड़ाई हुआ था तो उस समय की कुछ और कहानी थी। अभी जब हमारा जब सेना के साथ लड़ाई हुआ है तो हमारे सेना ने चढ़ के मारा है और उसको पीछे हटाया है। और रही बात दिल्ली की,
तो दिल्ली में कोई खास विकास नहीं हुआ है, फ्री जो दिए हैं तो फ्री की रेवड़ी नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर आपने सुना है कि तमाम सवालों का जवाब हमें मिलता हुआ नजर आया है, वो देश में तानाशाही चल रही है नहीं वो बात हो, या फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बात हो, या फिर यहाँ पर देखा जाए कि 2024 में आखिरकार क्या होने वाला है, इस तरीके के तमाम सवाल हमने किए और जवाब भी मिलता नजर आया। अपनी राय भी दीजिएगा इस मुद्दे पर कि क्या लगता है यहाँ पर कि जो तानाशाही की बात हो रही है वो है या नहीं, और जो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बात हो रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, खास करके दिल्ली की जनता। देखते रहिए लीडिंग भारत।